आज 13 फरवरी है, तो आइए जानते हैं आज के इतिहास के बारे में। आज स्वतंत्रता सेनानी सरोजनी नायडू की जयंती है। स्वतंत्रता सेनानी सरोजनी नायडू का जन्मदिन 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। सरोजनी नायडू स्वतंत्रता सेनानी, कवियत्री और देश की पहली महिला गवर्नर थी। सरोजनी नायडू बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी। उन्होंने 12 साल की उम्र में 10वीं की परीक्षा में टॉप किया था। 16 साल की उम्र में उच्च शिक्षा के लिए वे लंदन चली गई। उन्हें पहले लंदन के किंग्स कॉलेज और बाद में कैम्ब्रिज के गिटन कॉलेज में अध्ययन करने का मौका मिला। पढ़ाई के साथ साथ सरोजनी नायडू कविताएं भी लिखती रही। 1914 में इंग्लैंड में वह पहली बार गांधी जी से मिली और उनके विचारों से प्रभावित होकर अपना जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया। सरोजनी नायडू ने गांधी जी के अनेक सत्याग्रहों में भाग लिया और भारत छोड़ो आंदोलन में जेल भी गए। बता दें कि देश की आजादी के बाद वे गवर्नर बनने वाली पहली महिला थी। सरोजनी नायडू को द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। सरोजनी नायडू का निधन 2 मार्च 1949 में हुआ था। पीपी न्यूज 9 के आज के इतिहास में बस इतना ही। कल होगी फिर से मुलाकात एक नए इतिहास के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।